यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो पूरे देश में कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति जो अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसका सिलसिला गाजियाबाद में भी कायम है। गाजियाबाद में महिलाओं के प्रति अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे, 16 घंटे में ये दूसरी घटना थी। इससे पहले भी एक महिला डॉक्टर पर तेजाब फेंकने का मामला सामने आया था। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र की उस्मान कॉलोनी के पास जंगल में एक युवती का शव मिला है। युवती की गला काट कर हत्या की गई है। रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है क्योंकि मौके पर कपड़े अस्त व्यस्त मिले हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और सोच रही है कि जितने भी ये अपराधी हैं उनके लिए कोई सख्त से सख्त कदम उठाया जाए। तो आपको बता दें, पुलिस ने प्राथमिक जांच में रेप की आशंका बताई है क्योंकि जो महिला थी उसके कपड़े अस्त व्यस्त मिले हैं, गाजियाबाद से खबर है। हालांकि इससे पहले एक महिला के ऊपर तेजाब फेंकने की घटना सामने आई है उत्तर प्रदेश से, और यहां 16 घंटे के अंदर ही ये दूसरी घटना है जहां पर महिला का शव बरामद हुआ है और गला काट कर महिला की हत्या की गई है। ऐसी प्राथमिक आशंकाएं जताई जा रही है और साथ ही जो महिला के कपड़े है वो अस्त व्यस्त मिले, इसलिए पुलिस का ये कहना है कि शायद रेप के बाद महिला की हत्या कर दी गई। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जी, उस्मान कॉलोनी डासना देहात, ये भरे में पड़ी है, घास इसके ऊपर डाल दी है और नाल कटी हुई है। 20-22 साल की उम्र है, पहचानने में आई नहीं। अच्छा, ये तो मालूम नहीं कहाँ की रहने वाली है, मार के गिर दिए, भरे में पड़ी है। कैसी गर्दन कटी हुई है जी, कुछ पहचान हो पाई है उसकी? नहीं, अभी तक पहचान नहीं है। पुलिस आ गई है और पब्लिक आ रही है, देख रही है, अभी कोई पहचान में नहीं है।